शरण मिले तमे तस्मै से गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरे। नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलीभ्राजमानं यशोदाभियो खलाथावमानं परामेष्टमा ततो द्रुतगोप्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माई थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ सेंसेस लोटस फीट ऑफ श्री गुरुपाद पद्म तथा वो भी सुपा अष्टोत सदस्य श्रीमद्भक्त वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज। ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल भवन गोस्वामी। आई ऑफर माई थाउजेंड थाउजेंड ऑफ सेंसेस लोटस फीट ऑफ शिल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ऑल अवर गुरुवर्ग उपस्थित ऑल सन्यासी एवरीवन प्लीज एक्सेप्ट माय दंडवत प्रणाम। ऑल वैष्णव एंड वैष्णवी मदर सिस्टर्स ब्रदर्स एवरीवन प्लीज एक्सेप्ट माय दंडवत प्रणाम। सो इन वृंदावन धाम आवर परिक्रम गोइंग नाइसली। सो ऑल वैष्णव ऑल टुगेदर we are coming here. Yesterday we start Radha Damodhi, Damodarashtakam. Yogi Guruji Pratibars pehle ki Damodarashtak ka paath karte hai. जो कि बहुत सी कथाओं को सुनाते थे नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुलीभ्राजमानं। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ करते करने उन्हें कोई दिधा नहीं। फिर भी गोलोक बिहारी हरि जो प्रेम के अधीन है, प्रेम के वशीभूत है, मथुरा में तो आए, देवकी वसुदेव के यहां प्रकट हुए, परंतु चक्रधारी को दूध पिलाने में माता देवकी संकुचित हो गई, पिला नहीं सकी।
और भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय प्रकाश करते हुए कहा कि जन्म जन्म में मैं आपका पुत्र हूं, आपने पुत्र रूप में मुझे मांगा था, मैंने एक जन्म में एक पुत्र आपने मांगा, मैंने तीन जन्म में तीन बार आपके पुत्र हो करके जन्म लिया। उसमें मैं स्वयं भगवान हूं, पराग पर तत्तन हूं, मुझे तो लाड़ प्यार करें, परंतु जहां ऐश्वर्य भाव में डूबकर देवकी को ये सपना संकोच उन्हें दूध पिलाने नहीं दिया, परंतु जब बाल गोपाल परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जहां छोटे से बालक बन गए, प्राकृत शिशु बहुबह वसुदेव जी गोकुल ले जाने की तैयारी में, उस समय देवकी ने एक बार गोदी में उठाया, बोले कि गला सूख जाएगा, बहुत लंबी दूरी जाना है, एक बार ही दूध पिलाया था और नहीं पिला। उनके मन में सदैव ये ऐश्वर्य की भावना रही, हे कृष्ण हे बलराम जो वापन सुतरु सुतरु साक्षात परमेश्वर, तुम दोनों हमारे पुत्र नहीं हो, तुम साक्षात परमेश्वर हो, यह तो ऐश्वर्य भाव है। परंतु ब्रज गोकुल में माता यशोदा का अगर प्रेम, वह प्रेम समुद्र समान, जिस अथाह समुद्र में परब्रह्म भगवान अपनी भगवत्ता को, भगवत्ता रूपी पहाड़ को, पर्वत को डुबो दिया, उन्हीं में समा गया, से बलदेव वृंदावन पाठ कहते हैं कि ब्रजभूमि प्रेम की भूमि है। उस प्रेम की भूमि कैसी है, जैसे कि कोई दूध की कढ़ाई हो, काफी मात्रा में दूध हो, या समुद्र हो, दूध की कढ़ाई में दूध बैल हो रहा है, उसमें से एक तिनका कभी ऊपर दिखाई देता है, कभी नीचे चला जाता है, तो देखने से पकड़ में नहीं आता है। तो ऐसे ही ब्रजभूमि में पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य वैभव वहां सब कुछ दब गया, नीचे चला गया, जहां प्रेम देवी ऐश्वर्य प्रेम देवी और ऐश्वर्य की देवी माता यशोदा की परीक्षा लेना चाहा कि कितना प्रेम है। उनके प्रेम के सामने ऐश्वर्य की मूर्तिमती देवी पे हार मान गई, हाथ जोड़ ली, क्षमा मांग करके दूर चली गई। इतना माधुर्यमय प्रेम, उस वात्सल्य प्रेम में तो वात्सल्यमय अगाध प्रेम समुद्र, उस प्रेम समुद्र के सामने कृष्ण ने कुछ दिखा नहीं सके। मां यशोदा का दूध पीने लगा, यशोदा मैया ने सोचा देखें कितना दांत निकला है, कृष्ण के मुंह में अंगुली लगाकर, जैसे मुंह खोलती है कि अंगुली लगा करके देखना चाह रही है कि कितना दांत है, उस समय भी कृष्ण ने दिखा दिया। वो ब्रह्मांड दिख गए, तो ब्रह्मांड दिखाने से क्या है, ये ब्रह्मांड रूपी भूत है, और बोले मिट्टी खाई है, नहीं भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, बोले मुंह खोल। अब यशोदा मैया जब तक मुंह खोल करके रखने को कहेंगी तब तक खोल करके ही रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा कहीं मिट्टी का गंध भी देख लिया तो और मामूली भर भर करके पेट में से मिट्टी निकाल के छोड़ेगी, उल्टी करके वोमिटिंग करके निकालेगी। और कृष्ण ने देखा कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे छुपाऊं, छुपाने के लिए कोई उपाय नहीं सुझा, उन्होंने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दी। परंतु यशोदा मैया के सामने कहां चलता,
तो ये ब्रह्मांड दिखाया, अब इस भूत को उतारने के लिए गोबर गोमूत्र से लेपापोती करनी पड़ी। तो मैया यशोदा ने लेपापोती कर दी गोबर, और फिर पंचामृत से स्नान कराया, फिर रक्षा मंत्र पाठ करके मोर पंख से झाड़ने लगी हमारे बालक को, कहीं ये भूत ना सवार हो जाए, भूत उतर जाए, भूत भाग जाए। तो ऐसे प्रेम समुद्र के सामने ऐश्वर्य कहां ठहर सकता है। फिर भी बाल गोपाल रूप में वे जितनी भी लीलाएं करते उन सभी लीलाओं में माताओं ने कितनी कितनी शिकायतें उलाहना दे दी। हाँ भैया, आज तो तुम्हारा लाला मेरे घर में जाकर के मक्खन चुराया, आज हमारे बर्तन को फोड़ दिया, आज हमारे घरों में आंगन में जाकर के दिखा दिखा करके मक्खन लूटा, खाता तो नहीं है, सबको फेंकता है, और क्या कहता है, अरे ये मक्खन खट्टा है, ये बंदर नहीं खा रहे हैं, अरे तुम लोग खाते नहीं हो, ये खट्टा है, बर्तन तोड़ दिया, और क्या नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे कुदम को चलते रहते हैं। तो सारी बातों को सुनकर यशोदा मैया को बड़ा ही आश्चर्य लगा, बालक तो हमारे साथ में परछाई की तरह रहता है, कभी हम इधर उधर जाते हुए देखा नहीं, बात क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए माता यशोदा जो कि दामबंधन लीला आई हुई है और यशोदा मैया के मन में ये सभी बातें आ गई। पहले ही श्लोक में बता दिया कि भगवान की जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं में दो तरह की लीला देखी जाती है। हम सभी भक्तजन जो भगवान की आराधना करते हैं, हम कैसे आराधना करें? गुरु जी के पास जाने पर गुरु जी क्या बोलते हैं, ले मंत्र ले, हरे नाम ले लो, ये मंत्र करो, हरे नाम करो, फिर सेकंड इनिशिएशन में लो ये मंत्र जप करो, एक अवतार मंत्र और एक प्रियार मंत्र, जो कि इन मंत्रों के द्वारा अपने को समर्पण करो, नमो और श्वास शब्द के द्वारा समर्पण आ जाता है, और फिर प्रचोदयान के द्वारा प्रिया हे प्रभु आप मेरे हृदय में आ जाओ, यही तो है। तो ये मंत्र जप करने को कहा है, तो मंत्र जप करते समय कि बोलो हम मंत्र जप करें ऐसा नहीं, मंत्र देवता को खिलाना भी पड़ेगा, मंत्र देवता की पूजा भी करनी पड़ेगी। आप मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र की सिद्धि कैसे होती है जानते हैं? जैसे 1,00,000 मंत्र जप करें, 1,00,000 मंत्र जप करने पर 10,000 बार आहुति देनी पड़ेगी उस मंत्र के द्वारा, 10,000 बार यदि मंत्र की उस मंत्र के द्वारा आहुति दे तब मंत्र की सिद्धि होती है, नहीं तो कोई फल नहीं होगा। तो हर मंत्र तो सिद्ध है, हमें साधना के द्वारा सिद्धि करनी पड़ेगी। तो मंत्र का जप विधिवत होना चाहिए, और आहुति किस लिए, अरे कुछ तो भोजन कराओ, किसी को बुलाया, पानी भी नहीं दिया न खिलाया, उनको तो संतुष्ट करो पहले, फिर कुछ मांगो। तो मांगने से पहले, कहने से पहले कुछ तो खिला पिला करके संतुष्ट करना है। मंत्र के साथ मंत्र देवता की आराधना है, इसलिए इसको भूले नहीं कि हमें पूजा अर्चन क्यों करना है। ये तो कनिष्ठ अधिकारी वो सदस्य वाले उन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, ऐसा नहीं सोचते, सबके लिए। जब मंत्र की साधना कर रहे हैं तो मंत्र देवता को अवश्य खिलाए, अवश्य उनको संतुष्ट करें, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। यही है मंत्र उपासना, पूजा अर्चन क्या है, दिव्य वृंदावन कल्पतरु माथ श्रीमद रत्नागार सिंहासन श्री श्री राधा शिल गोविंद देव पृष्ठालय भी सव्य मानव स्मरा, दिव्य वृंदावन में राधा गोविंद देव रत्न सिंहासन में विराजमान है, समस्त सखियां वहां सेवा पूजा कर रही है, सेवा कर रही है, गुरु जी वहां पर विराजमान है, सखी रूप में राधा गोविंद की सेवा कर रही है, हमें उन्होंने आदेश दिया, उनके आदेश से पूजा सामग्रियों को ला करके प्रस्तुत किया, उनकी प्रार्थना करके
हम उनको आसन दें, पुष्पांजलि दें, उनके चरणों में हम जल दें, चरण धोए, राधा गोविंद का आवाहन करके, महाप्रभु जी का आवाहन करके उनके चरणों को तो धोए, फिर अर्घ्य दे, अपने को तो समर्पण करें। हम सुबह सुबह उठ करके कम से कम हे प्रभु मानस देह गृह जो किछु अर्पिन दुआ पदे अंत किछु मन वाणी देह गृह और पुत्र परिवार जो कुछ भी है सब तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूं, इसे स्वीकार कर लो। यह है अर्घ्य। फिर आचमन देना होता है, भगवान को मुंह धोने के लिए कुछ देंगे या नहीं? अरे उनका तो मुंह धोए, उनको तो आचमन दे, फिर कुछ पिलाना होता है, कोई दूर से कोई आए जाए, उनको बुलाया, घर में आने पर आपने झटके से फटाक से एक ग्लास पानी ला करके रख दिया। बोले दीजिए पानी पीजिए। बोले क्यों? अरे दूर से आए हुए हैं, गला सूख रहा है, पानी तो पिलाते हैं ना। ये जैसे यहाँ पर हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, वहां भी तो भगवान को दे कुछ तो पिलाए, मधुपर्क जूस के रूप में, शरबत के रूप में या पानी के रूप में अभी कुछ तो पिलाए, ये पिलाना उचित है। फिर आचमन दे करके फिर उनको स्नान कराया जाता है, भगवान को स्नान करा रहे हैं, राधा जी को कृष्ण को स्नान करा रहे हैं। तो स्नान करा करके वस्त्र आभूषण पुष्पांजलि और धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। तो यह क्या है? मंत्र उपासना, एक लीला, एक ध्यान, एक चिंतन, इसको मंत्र उपासना कहते हैं। ऐसे करते करते क्या होता है? स्वार्थ की उपासना कि मैं घर में नहीं बैठा हूं, अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, यूरोप में भी नहीं और चाइना में भी नहीं, कहां बैठा हूं? वृंदावन में, उस पुण्य वन में जहां राधा गोविंद देव है, जहां गुरु जी हैं, मैं वहां बैठा हूं और वहीं उनकी सेवा पूजा कर रहा हूं। कम से कम यह तो चिंतन हो जाए, इतनी तो इतनी बात तो आ जाए। इतनी भावना करते करते क्या होता है कि मैं राधा जी के किंकर हूं, उनके साथ में हूं, रसोई बना रही है और झाड़ू लगा रही है, सेवा कर रही है, हर कोई काम अपनाना है। ये कोई बेगार नहीं है, ये बेगारदारी काम नहीं है। इसलिए तो मठ मंदिर बनाया गया कि घर में होता नहीं है, अरे मठ मंदिर में ये सारी सेवा है, ये अपना कर्म नहीं है, अपने सुख के लिए नहीं, गुरु वैष्णव और भगवान के लिए। इतनी बात को सोच करके कम से कम इतनी सेवा करो, इससे क्या होगा? मंत्र ध्यान और मंत्र उपासना, उसके साथ साथ स्वारस्य की उपासना में पहुंच पाएंगे, तब भगवान के लीलाओं का चिंतन। नहीं तो बाह्य तो हम कुछ नहीं करेंगे तो अंदर में क्या भावना आएगी? ऊपर से हम करें तब तो अंदर में भावना आएगी। धीरे धीरे मन को, प्राण को, इंद्रियों को, बुद्धि को संयम करते हुए एकाग्र करना है, इस मंत्र उपासना में एकनिष्ठ होना है, फिर स्वारस्य की उपासना में जाना है। ऐसे ही इन लीलाओं का चिंतन होगा और हृदय में उन भावों का प्रकाश होगा, तब हरि नाम करते हुए भजन रहस्य के श्लोकों को पढ़ते हुए और इन लीलाओं का चिंतन करते हुए उस भाव में डूब जाएंगे। इसी प्रकार जो भगवान ने लीलाएं की हैं और ब्रजविलास श्री कृष्ण जिस माधुर्य प्रेम का